आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द्रास के प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑर्डर किए थे और ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें ऑर्डर कर लिया जाए। वैसे भी आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो जो सबसे पहले चीज़ ऑर्डर की थी उसमें है इलेक्ट्रिक रॉड और ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था तो इसीलिए इसे ऑर्डर किया। और वैसे भी आगे जो है सर्दी आने वाली है और उसमें आपको पता है कि गैस की लोड शेडिंग अभी से ही स्टार्ट हो गई है। गवर्नमेंट ने जो है वो टाइम डिसाइड कर लिया कि इतने टाइम के लिए गैस आएगी और इतने टाइम के लिए बंद रहेगी। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जो उन्होंने टाइम डिसाइड किया हुआ उससे पहले ही लाइट कह रही हूँ गैस बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने इस रॉड को ऑन करके देखा और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल था। आप देख सकते हैं पानी कितनी तेज़ी से जो है वो गर्म होना शुरू हो गया और विद इन 5 to 6 seconds में जो है पानी जो है वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका था। आप देख सकते हैं उसमें से धुआं भी निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इन आप लोगों में से भी कोई इसे ऑर्डर करना चाहता है तो आप लोग कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आप लोग कभी भी इसको ऑन रखते हुए फिंगर अंदर डाल के मत देखिएगा क्योंकि इससे ना करंट पड़ता है। और आप जो है इसको बंद करने के बाद एसी का कवर, एसी और आउटडोर दोनों का कवर था तो ये भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था तो हमने सोचा कि इसे भी ऑर्डर कर लेते हैं। वैसे भी आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो अभी एसी वगैरह तो बंद ही रहेंगी तो उसको कवर करना बेहतर रहेगा। तो ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इनका जो स्टफ था वो भी काफ़ी बेहतर था तो मैंने यहाँ पे जो है वो उसको डाल के भी देखा, अच्छा खासा पूरे साइज़ में आ गया था। बस एसी का पूरा नहीं था लेकिन इसे मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगी, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे जो है अभी थोड़ी देर के लिए इसे डाला था। तीसरी जो चीज़ थी जो हमने ऑर्डर की थी, इसको ऑर्डर करने के बाद हम बहुत पछताए कि हमने इसे ऑर्डर क्यों किया, ये थे शू रैक। और हमें ये लगा था कि ये जिस तरह पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। पहले तो जब हमने इसको ओपन किया तो थोड़ी देर के लिए तो इसको देखते ही रह गए कि इसे अब हम यूज़ करें या इसे रिटर्न कर दें, क्योंकि आप दराज पे चीज़ें रिटर्न भी कर सकते हैं। और हमने एक नहीं इकट्ठे 4 ऑर्डर कर लिए थे तो इसमें जब पहले तो जब जिप खोलने लगी तो उसकी जिप भी इतने अच्छे तरीके से जो है वो बंद नहीं हुई थी तो उसे थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगा। और जब हमने इसको ओपन किया तो इसमें कोई सेक्शंस नहीं थे, जस्ट ये इन्होंने पट्टियाँ सी लगाई हुई थी। पता नहीं इसमें कैसे शूज़ रखने थे और इनका क्या लॉजिक था, जबकि जो इन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है उसमें तो बड़ा अच्छा दिखाया हुआ कि आप बड़े अच्छे से यहाँ इसमें शूज़ रख सकते हैं। तो हम लोगों के ना काफ़ी ज़्यादा जूते वगैरह होते हैं तो हमने यही सोचा कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें जूते हम जो है वो अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, इन फ्यूचर आगे सर्दियों में शूज़ रख सकते हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला चलो ऐसा करते हैं इसको एडजस्ट करके देखते हैं, अगर तो ये यूज़फुल रहा तो इसे रखेंगे नहीं तो इसे रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर वो वन बाई वन जो है वो यहाँ पे सैंडल्स जो है वो रखना शुरू हो गई है, मेरे जूते रखना शुरू हो गई है। और ये वीडियो में आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर बिलफर्ज़ा अगर आप ऐसी कोई चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं तो आप उसमें कैसे जो है वो अपने जूते या शूज़ वगैरह जो है वो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ उसने काफ़ी सारे मेरे जूते जो है वो एडजस्ट कर दिए थे और यहाँ वो कोशिश कर रही थी एक और आ जाए, बट ये स्टफ इतना ज़्यादा हल्का है, इतना ज़्यादा हल्का है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं बस इसको पकड़ूंगी तो ये फट जाएगा। मैं उसको कह रही थी ज़्यादा ना डालो, जितने आगे उतना को ही जो है बंद करके देखो ये कैसे लगते हैं, अगर तो ये हमें आगे जाके जो है वो किसी हद तक भी फ़ायदा देते हैं तो इसे रख लेते हैं, अदरवाइज़ जो है ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो यहाँ उसने जिप बंद कर दी थी और ये बहुत प्यारे लग रहे थे, बेशक इसको जब हमने ओपन किया था बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे लेकिन जैसे ही जूते इसके अंदर रखे, क्योंकि बज़ाहिर जूते बड़े अच्छे नज़र आ रहे थे कि आपने कौन सा पहनना है तो आप आराम से इसमें से इजीली एक अपना जो है वो जूता निकाल सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा लगा हमें। उसके बाद ये शूज़ रखने के थोड़ी देर बाद रूम ऐसे लगा जैसे इतना कबाड़ मच गया कमरे में, तो फिर मैंने सोचा पहले रूम को नीट करते हैं और फिर जो है अपने दूसरे काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सारा रूम क्लीन किया और ये रही रूम क्लीन करने की बात की वीडियो। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगे। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो मैंने आपको पिक्चर्स जो है वो वीडियो के साथ ही लगा दी हैं, आप इजीली बाय कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।